दोस्तों, तस्वीरें हिंद कार्यक्रम में हम अलग विषय को लेकर आपके सामने उपस्थित होते हैं। आज हमारा जो विषय होगा वो होगा शिक्षा के प्रति सामाजिक उद्देश्य किस तरह का होना चाहिए, और जो बाजारीकरण हो रहा है शिक्षा में, उससे शिक्षा का उत्थान हो रहा है या उसका दमन हो रहा है। आज हम चर्चा करने के लिए मौजूद हैं आगरा के प्रल्यूट पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर सुशील गुप्ता जी के साथ में। सर, तस्वीरें हिंद कार्यक्रम में आपका स्वागत। धन्यवाद करतार जी। सबसे पहले सर, मेरा आपसे जो सवाल है वो ये है कि वर्तमान दौर में जो शिक्षा चल रही है उससे आप कितने संतुष्ट हैं? आपका कहना सही है करतार जी कि वर्तमान में जो आज शिक्षा का स्तर है वो, उसमें इम्प्रूवमेंट की बहुत ज़रूरत है, उसमें सुधार की बहुत ज़रूरत है, और हम लोग इसमें बहुत प्रयास कर रहे हैं। इसीलिए हमने एक आगरा में एसोसिएशन ऑफ प्रोग्रेसिव स्कूल्स ऑफ आगरा बनाई है, जिसमें कि सारे CBSE और ICSE स्कूल एफिलिएटेड है। किसी भी बालक के चरित्र गठन में किस तरह की भूमिका शायद स्कूल और कॉलेजों की आप मानते हैं वो देश के उत्थान में काम आए और उस बालक के काम आए, उसके भविष्य के काम आए, किस तरह की भूमिका होती है? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि स्कूल का कॉलेज के मुकाबले बहुत ज़्यादा दायित्व है, क्योंकि स्कूल में बच्चे जब 3 साल का होता है तब से आ जाता है, और 12वीं क्लास तक वो बच्चा जब जो है ऑलमोस्ट 18 साल का हो जाता है। तो अगर हम स्कूल वाले अपने दायित्व से कहें कि ये हमारा नहीं है तो ये गलत होगा। 24 घंटे में करीब करीब 7 घंटे स्कूल में रहता है, तो स्कूल का दायित्व बहुत ज़्यादा है। उसमें बच्चों को किस तरह से हमको आगे उनको बढ़ाना है, उनको किस तरह से परफेक्ट करना है, किस तरह से आने वाले समय में जितनी परेशानी और जितना कंपटीशन होना है उसके लिए हमको तैयार करना है। इसके साथ साथ सबसे बड़ी बात यह है कि हमें बच्चे के नैतिक मूल्यों में जो उसकी हमारी जो इंडियन कल्चर है वो उसमें किस तरह से हम उसमें इंकल्केट करें, उसमें किस तरह से लाएँ, ये बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल सही कहे सर। मैं जानना चाहूँगा, जो शिक्षा में सामाजिक उद्देश्य की हम बात करें, कुछ सामाजिक जिम्मेदारियां भी होती हैं, किस तरह की जिम्मेदारियां होनी चाहिए और शिक्षा में सामाजिक उद्देश्य किस तरह का होना चाहिए? देखिए, जिम्मेदारियों को तो मैंने आपसे पहले ही कहा कि स्कूल उससे हट नहीं सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें स्कूलों में बहुत ज़रूरी हैं। स्कूलों से सर इतर बात कर रहा हूँ, सामाजिक उद्देश्य की बात कर रहा हूँ। सामाजिक उद्देश्य किस तरह का होना चाहिए? स्कूल की एक अलग जिम्मेदारी होती है अपनी, लेकिन बाहरी जो व्यवस्थाएँ हैं, बाहरी जो वातावरण है, उसका किस तरह से दायित्व? देखिए, जहाँ तक सामाजिक उद्देश्य का सवाल है तो समाज में बच्चे को किस तरह से आगे उसको बढ़ाना है, किस तरह से उसको हमें शहर आगे वाली चुनौतियों के लिए हमको उसको तैयार करना है, ये बहुत बड़ा विषय है। मैं सर जानना चाहूँगा, आज की जो शिक्षा की बात करें तो वो लोक सेवकों, लोक नायकों और जो पूंजीपतियों की कहीं ना कहीं दासी दिखाई पड़ती है, कैसे इस शिक्षा का उत्थान हो सकता है ऐसे? क्योंकि मुझे नहीं लगता, क्योंकि ग्रामीण अंचल में आप जाइए तो वो शायद एक अच्छे ताने बाने के साथ या अच्छे खर्चे के साथ वो अपने बच्चे को एक उच्च शिक्षा दे सकता हो, जो कहीं ना कहीं पूंजीपति दे सकते हैं, जो लोक सेवक दे सकते हैं, लोक नायक दे सकते हैं। देखिए करतार जी, आपकी बात सही है, लेकिन ये बड़े शहरों में ज़्यादा है। मीडियम शहरों में और छोटे शहरों में इस तरह की बातें नहीं हैं। अभी जिस तरह से CBSE ने और गवर्नमेंट ने एक RTE चालू किया है, जिसमें हम अपने स्कूलों में 25% उन बच्चों को भी दाखिला दे रहे हैं जो कि हमारी फ़ीस नहीं दे पाते हैं, तो इससे मैं समझता हूँ कि अच्छे बच्चे भी आएंगे आगे। और जिस तरह से जो एक आपका कहना कि सब ये पूंजीपतियों की एक दासी बन गई है, मैं समझता हूँ आने वाले सालों में इसमें काफ़ी अंतर आएगा। ग्रामीण अंचल की मैंने बात की आपसे सर, मैं जानना चाहूँगा, आज ग्रामीण अंचल में अगर हम जाते हैं, कुछ मीडिया का भी दायित्व तो होता है समाज की जो कहीं ना कहीं नकारात्मक दृष्टि समाज में दिख रही है उसको दिखाने का। जैसे हम लोग गए कई जगह, शिक्षक और शिक्षिकाओं में शिक्षा का अभाव दिखाई दिया, उससे जो हमारी आने वाली पीढ़ी है शायद बड़ा शिक्षा के प्रति, तो मुझे लगता है बड़ा घातक होगा, क्योंकि जब गुरु के अंदर ही ज्ञान नहीं होगा तो मैं समझता हूँ वो जो भविष्य की पीढ़ी है उसको कैसे मजबूत शिक्षा दे पाए। देखिए, मैं आपकी बात से
ये तो नहीं कहूँगा कि हाँ ये कमी है कि हम लोग अच्छे शिक्षक नहीं रख पाते हैं ग्रामीण क्षेत्र में। उसकी कई वजह हैं सर, वजह ये भी हैं कि गवर्नमेंट स्कूल्स पे उतनी सख्ती नहीं हो पा रही है जितनी होनी चाहिए। एक नैतिकता की भी आजकल के अध्यापक में कमी आ गई है। पुराने ज़माने में जिस तरह से अध्यापक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी वो समझते थे, आजकल वो नहीं है। दोनों ही बातें हैं, बच्चे भी उतने सीरियस नहीं हैं, माँ बाप भी उतने सीरियस नहीं हैं। लेकिन ये चीज़ें मैं जहाँ तक समझता हूँ कि हम लोगों को दूर करनी पड़ेगी और इसके लिए हमको एक जागरूकता अभियान समाज में लाना पड़ेगा कि नहीं, हमको बच्चों को अच्छी शिक्षा देनी है, हमें अच्छे शिक्षक रखने हैं, हमें शिक्षकों को महसूस कराना होगा कि उनका क्या दायित्व है। आपने सर जैसे सीरियसनेस की बात की, शायद जागरूकता की भी बात की, लेकिन जागरूकता कहीं ना कहीं एक मैंने जो रूढ़िवादी सोच के लोग हैं आज लड़के और लड़कियों की जो शिक्षा है दोनों में फ़र्क करते हैं। लड़कियों को घर चलाने की सलाह दी जाती है और लड़कों को स्कूल जाकर शिक्षा प्राप्त करने की सलाह दी जाती है। इस रूढ़िवादी सोच को अगर हम भविष्य में भी कायम रखते हैं तो शायद मुझे नहीं लगता कि देश का इस तरह से उत्थान होगा। हम मंगल और चंद्रमा की बात करते हैं और एक जगह हम ये भी कहते हैं कि लड़कियों को घर चलाने की सलाह देते हैं। किरदार जी, मैं थोड़ा सा आपसे इस बात में नहीं सहमत हूँ क्योंकि पिछले 10 सालों से, हालांकि मेरा स्कूल चलाने का मेरा जो परिवार का है वो तो करीब 50 साल से चल रहा है, लेकिन 15-20 साल से जो मैं डायरेक्ट प्रल्यूड से जुड़ा हुआ हूँ और मैं देख रहा हूँ कि जिस तरह से लड़कियाँ आगे आ रही हैं, हर कंपटीशन में लड़कियाँ आगे आ रही हैं, पेरेंट्स भी अब ये नहीं कहते हैं। हाँ, थोड़ा ग्रामीण क्षेत्र में अगर आप ये कहें तो वहाँ तो कुछ हद तक सही। ग्रामीण क्षेत्र की ही बात कर रहा हूँ सर, ग्रामीण क्षेत्रों में कैसे जागरूकता लाई जाए? देखिए, उसमें जागरूकता लाने का तो एक ही तरीका का है कि हम वहीं पर जाके हम स्कूल्स वहाँ खोलें, वहाँ लोगों को बताएं कि नहीं, ये बहुत ज़रूरी है। अब जैसे देख लीजिए, अभियान शुरू किया प्रधानमंत्री जी ने, तो आज शौचालय की वास्तव में स्थिति ये है कि आपको ग्रामीण क्षेत्र में जो खुले में शौच जाने का था उसमें काफ़ी रोक आई है और बहुत अच्छी रोक आई है। इसी तरह से हम जहाँ तक समझते हैं कि अगर हम लोग जागरूकता लाएंगे और तो ये चीज़ में भी लड़कियाँ भी इसमें आगे आएंगी। एक लड़की के कई रूप होते हैं, वो माँ भी होती है, वो बहन भी होती है, किसी की बेटी भी होती है, लेकिन जब वो माँ होती है तो शायद वो अपने बच्चे को अच्छा लालन पालन, अच्छी शिक्षा देने की शायद हमेशा कोशिश करती है। शायद वो शिक्षित होगी तभी कर पाएगी, ऐसा लोगों को समझना चाहिए, ऐसा जो रूढ़िवादी किस्म के लोग हैं, पुरानी सोच के लोग हैं, उनको सोचना चाहिए ऐसा? बिल्कुल सोच रहे हैं, और मैं समझता हूँ जो टीवी की देन है, जो मीडिया का इसमें सहयोग हो रहा है, जगह जगह जो आप कार्यक्रम हो रहे हैं उससे लड़कियाँ आगे आ रही हैं, सोच में बहुत बदलाव आया। आप ये माने कि पहले ज़माने में लड़कियों को पैदा होते ही उनको परेशानियां होती थी, अब ऐसा नहीं है। आपने कहा कि भाई लड़कियों को अभी भी इस बात पे ज़्यादा जोर दिया जाता है कि भाई तुम्हें तो जो है घर का काम करना है, खाना बनाना है या बच्चे पैदा करना है। इस सोच में मैं समझता हूँ करतार जी काफ़ी फ़र्क आया है। सर, एक चीज़ और है, शायद शिक्षा को लेकर आज की युवा पीढ़ी की सोच कुछ डिफरेंट हो गई है, वो यहाँ से पलायन करके कई अन्य देशों में, कई अन्य शहरों में जाना चाहती है। क्या शिक्षा का शिक्षा की बात की जाए तो यहाँ पर अपने भारत की बात की जाए तो भारत में संभावनाएं ऐसी नहीं है कि उसको उच्च शिक्षा दी जा सके? नहीं, मैं समझता हूँ अब बड़े शहरों में और गवर्नमेंट में भी काफ़ी फ़र्क आ गया है। IITs भी नए खुलते चले जा रहे हैं, IIMs भी नए खुलते चले जा रहे हैं, और अब वो अपॉर्चुनिटी जो उनको वहाँ मिल रही थी वो अब जो है हिंदुस्तान में अवेलेबल होती जा रही हैं। आर्थिक रूप से भी जो पे स्केल या जो पैकेज पहले नहीं था, आज 3-4 करोड़ के पैकेज यहाँ के लोगों को दिए जा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि हाँ, फ़र्क तो है, लेकिन वही बात है करतार जी कि थोड़ा सा हमको पेशेंस रखनी पड़ेगी, और मैं समझता हूँ अगले 4-5 सालों में हमारा देश का भविष्य बहुत अच्छा है, और जो हमारी यूथ है जिसकी कि 25-30% हमारे यहाँ जो 40% यूथ है, वो मैं समझता हूँ कि अगर वो अगले 5 सालों में सही दिशा में चला गया तो बहुत ही अलग भारत। दो टूक युवाओं को, देशवासियों को,
अपनी तरफ से क्या कहना चाहेंगे जिससे कि शिक्षा का एक उच्च स्तर और उसका ग्राफ बढ़े? सिर्फ मैं ये कहना चाहूँगा कि हर नागरिक जो भी शिक्षा से जुड़ा हुआ है वो अपनी जिम्मेदारी समझे, वो उसका बाजारीकरण ना करे। और हर स्टूडेंट्स का मैं ये कहना चाहूँगा कि आने वाले समय में बहुत कंपटीशन आने वाला है, इसलिए पढ़ाई को बहुत ही सीरियसली लें और बहुत ही अच्छी तरीके से अपने को तैयार करें देश के लिए। धन्यवाद सर, आपने तस्वीर हिंद कार्यक्रम में हमसे चर्चा की। तो ये थे मेरे साथ में प्रल्यूड पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर सुशील गुप्ता जी, जिन्होंने शिक्षा के प्रति लोगों को जागरूक किया और शिक्षा के होते बाजारीकरण पर अपनी बात रखी, और साफ तौर पर जो ग्रामीण अंचल में शायद शिक्षा का स्तर है उस पर भी कहीं ना कहीं आपने सीधे तौर पर कहा है कि जागरूकता लाने की आवश्यकता है। आगे भी नए विचारों के साथ फिर उपस्थित होंगे, तब तक मुझे दीजिए अनुमति, नमस्कार। सारे गांव से दूध मंगाकर पिंडी को नहला दो, सारे गांव से दूध मंगाकर पिंडी को नहला दो, भोले को नहला दो, मेरे शंकर को नहला दो। आया बाबा का त्योहार आया, शिवरात्रि का त्योहार आया, आया बाबा का त्योहार आया, शिवरात्रि का त्योहार आया। लॉयर्स कॉलोनी सर्विस रोड पर बना है अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस लीलाधर हॉस्पिटल। समस्त प्रकार की बीमारियों का इलाज दूरबीन विधि द्वारा, पित्त की थैली की पथरी, हार्निया, गुर्दे के ऑपरेशन, बच्चेदानी व नसों की जांच, गुर्दे की पथरी, भगंदर बवासीर, स्तन की गांठों का इलाज, इमेज टीवी में देखकर हड्डी की जांच एवं जोड़ने की सुविधा, ICU, NICU, AC वार्ड एवं AC रूम की सुविधा, नेबुलाइजर ऑक्सीजन की सुविधा, वेंटिलेटर, पेसमेकर, कार्डियोलॉजी आदि की सुविधा, उचित रेटों में इलाज। लीलाधर हॉस्पिटल, बाईपास रोड, NH2, आगरा।